I and I, Rastafari. Giriam dog, yo, Rastaman, Rastaman, Chaya Maya Dale, Giba Delga, ya insan. Yetality is what I pick a Tessie Babylon. Naya negativity, me tani reggae, Hindustan. Spitfire! So well hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine. तो after so long time, तो मतलब इतने दिनों के बाद आप लोग सोच रहे होंगे मतलब इतने दिन से कहाँ था, कोई वीडियोस वगैरह नहीं. तो बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे क्या हुआ, क्यों वीडियो नहीं बना रहा. तो अभी मतलब इस जगह को देख लीजिए, ये जगह जो हम जहाँ पे है. अच्छा ये हमको सिखाएगा अभी, जगह बोलने से ऑकवर्ड लगता है, बोले प्लेस बोलो. अरे ब्रो लोग ऐसे हो, हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं ना, वो मतलब बहुत ही समझदार है, वो समझ जाएंगे. तो ये है वो जगह. तो इधर पे अपना अपने साथ है हमारा मंजीत भाई. तो भाई इस जगह का नाम बोलो. इस जगह का नाम है डिमो घाट बोल रहे हैं. कौन सा घाट? डिमो घाट. डिमो घाट. हाँ ना, काला काला लग रहा है थोड़ा, उठ जाओ यार. नहीं नहीं, धूप में आओ. ऐसे ही. तो गाइस अभी मतलब बात ऐसा है कि नहीं डाल रहे थे इतने दिनों से, तो उसका रीज़न है ये जो हमारा GoPro है ना, इसमें आ गया है थोड़ा प्रॉब्लम. मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब ये जब भी वीडियो करने का ट्राई करता हूँ, अंडर बैटरी डाल के मेमोरी कार्ड डाल के वीडियो बनाता हूँ ना, तो मतलब जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरा वीडियो फ्रीज हो जाता है. और उसके थोड़े टाइम बाद फिर से जब मतलब ऑन करता हूँ ऑफ़ करके, या फिर बैटरी निकाल के फिर डाल के जब ऑन करता हूँ, तो बैटरी का परसेंटेज एकदम 3 या 2% पे आ जाता है. तो ये चीज़ ना GoPro में से बहुत ही अनसेटिस्फाइड है. ऐसे तो GoPro को लेके हम बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है, लेकिन अभी GoPro में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, और इवन इसके जो सर्विस सेंटर वाले हैं उनका भी कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं है. उनको मैंने कॉल किया, सर्विस सेंटर वालों को, उन्होंने पूछा वारंटी में है, तो मैंने बोला नहीं भाई वारंटी पे तो नहीं है, क्योंकि हमारा तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, करीब 1.5-2 साल शायद हो गया है ये GoPro Hero 7 लिया हुआ. तो अभी क्या है मतलब उन लोगों ने बोला अगर वारंटी पे नहीं है तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है इससे. अरे बात हुई क्या ये, अबे इंडिया पे मतलब कितने लोग, कितने ब्लॉगर्स है जो GoPro यूज़ करते हैं, थोड़ा तो मतलब ध्यान देना चाहिए ना भाई. तो ये बिल्कुल अनसेटिस्फाइंग है GoPro, तो ये चीज़ को ना मतलब थोड़ा ठीक करना चाहिए. तो GoPro में जब ये प्रॉब्लम आ गया, तो मैं GoPro को एज ए माई प्राइमरी कैमरा में यूज़ करता था. तो ऐसे तो DSLR भी है और भी मतलब कैमरा गियर्स है. तो मतलब क्या है, GoPro को मैं मेनली इस चीज़ के लिए यूज़ करता था कि GoPro बहुत ही कंपैटिबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई टूटने का कोई चांस ही नहीं है. मतलब बाइक जब बाइक में जा रहे तो हेलमेट पे लगाओ, अगर हेलमेट से उतार के कहीं पे ब्लॉगिंग कर रहे हो तो वहाँ पे उतार के भी आप मतलब वीडियो बना सकते हो. तो इस वजह से थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा था वीडियोस बनाने में. और भी ऐसे वीडियोस थे जो मैंने शूट किए थे, लेकिन मैंने वो डाले नहीं है. तो इतने दिन के ब्रेक के बाद तो ये मेरा पहला वीडियो होगा इतने दिन के बाद. तो और क्या ही बताएं, मतलब GoPro वालों थोड़ा हम पे भी ध्यान दो. और ये जो प्रॉब्लम है मेरा GoPro का, तो ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये और भी क्रिएटर्स है ऐसे, मतलब रिसर्च के इस प्रॉब्लम के ऊपर. तो ऐसे बहुत से लोग मिले मेरे को अलग अलग स्टेट से, जिनका सेम प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम हो रहा है. तो उनके साथ मैंने जो बात किया है वो मतलब आप देख सकते हैं अभी ऐसे. और मतलब क्या है बोलूँ, अभी GoPro का जो मेन प्रॉब्लम है वो आप लोग देख लीजिए एक बार. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी GoPro पे बैटरी लगा दिया है और उसका चार्ज भी ऑलमोस्ट 74% दिखा रहा है. तो जब भी मैं बैटरी लगा के ना इसको ऐसे शटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा फ्रीज हो जाता है, लेकिन विदाउट बैटरी ये बहुत अच्छा काम करता है. और फिर से इसको ऐसा इसे निकालना पड़ता है, यहाँ से हैंग हो जाता है और फिर से बैटरी निकाल के उसको ऐसे ऑन करना पड़ता है. और इसमें कुछ रिकॉर्ड भी नहीं होता और बैटरी भी 3% में आ जाता है और फिर से ब्लैंक हो गया अभी ये.
और मतलब अभी GoPro का सीन कुछ ऐसा है, अगर इसमें अगर बैटरी डालूंगा तो ये फ्रीज हो जाता है। अगर मैं नॉर्मली मेमोरी डाल के मतलब मेमोरी कार्ड को उसके अंदर डाल के उसके बाद अगर मैं इसको मतलब कोई पावर बैंक या फिर एक्सटर्नल मतलब कोई पावर सोर्स से ऑन करता हूँ तो ये ऑन भी होता है और प्रॉपरली वीडियो भी कर सकते हैं इसमें। तो अभी का मतलब हमने जुगाड़ क्या लगाया है, हमने भी अभी हमारे जो मोनजीत भाई है उनका एक पावर बैंक था, तो उनका पावर बैंक और उनका ये टाइप सी केबल लेके हमने GoPro को ऑन किया है। तो अभी हम इसको एक बार करके दिखाते हैं आपको। तो भाई लोग देख सकते हैं ये है हमारा GoPro जो हमारा हीरो 7 है। अभी क्या है इसमें अभी बैटरी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये है पावर बैंक हमारे मोनजीत भाई का, थैंक्स फॉर दिस मोनजीत भाई मैं यूज़ करने के लिए देने के लिए। तो अभी यहाँ पे ये पावर बैंक लगा है, ये टाइप सी जो केबल है यहाँ पे हम लगाएंगे और ये पावर बैंक यहाँ पे ऑन हो गया, देख सकते हैं लाइट जल रही है। तो अभी इसको हम ऑन करेंगे इस बटन पे प्रेस करके, ये जो बटन है तो ये देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पे ये जो आ रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है ये, और ये देख लो ये है ये ऑन भी हो चुका है, फिर ये है शटर बटन, तो इसको हम ऐसे दबाएंगे और ये देखो वीडियो भी हो रहा है अच्छे से एकदम नॉर्मल मतलब हो गया है। दबाएंगे और ये देखो वीडियो भी हो रहा है अच्छे से एकदम नॉर्मल मतलब हो गया है। अगर इसमें अगर बैटरी डालता हूँ तो मतलब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है फिर से। तो भाई लोग अभी देख लिया मतलब ये GoPro में कौन सा क्या प्रॉब्लम है कुछ भी पता नहीं है, और हमारे यहाँ पे लोकल में भी कोई ऐसा सर्विस सेंटर नहीं है तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और क्या ही बताएं मतलब GoPro का सर्विस सेंटर तो चाहिए यार। मतलब हमारे आसाम में ना ऐसे बहुत से मोटो ब्लॉगर्स है जो GoPro यूज़ करते हैं और मतलब ऐसे GoPro बहुत लोग खरीदते ही रहते हैं, तो इसीलिए मतलब GoPro वालों थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ पे और इसके सर्विस में भी थोड़ा ध्यान दो यार। अगर 30-40 हज़ार रुपये खर्चा करके कोई ले रहा है GoPro या फिर ऐसा कोई चीज़ ले रहा है तो उस पर थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना। और कोई बात नहीं ये सब चलता रहता है। तो अभी हम जिस जगह पे आए हैं थोड़ा उस जगह का हम मज़े लेते हैं। तो वो जो जगह है वहाँ पे एक ब्रिज है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फुटेज भी लिया था हमने, तो वो देख लीजिए आप लोग पहले। मंजीत स्माइल प्लीज। और इधर पे चल रहे हमारे भाई लोगों का फोटोशूट, ये देख लो भाई का पोज। ए ब्रो, तो अभी शाम का टाइम है तो टाइम लैप्स तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, और शाम का टाइम है देख सकते हैं कितना मतलब पीस है यहाँ पे, ज़रा शोर भी नहीं है। और इस हमारे इस क्या बोलते हैं भैंस को देखिए तो ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। और अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, तो अभी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और बाइक पे मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। तो गाइस अभी पूरा अंधेरा हो चुका है और मतलब टाइम भी बहुत हो गया है, तो अभी हम घर निकलने वाले हैं यहाँ से। और हमारे साथ जो मोनजीत भाई थे उनको हम उसके घर छोड़ के चले आए, तो अभी भाई अपने घर पर है और हम हमारे घर पर जा रहे हैं। तो आज का वीडियो जो था ना उसका मेन पर्पस ही यही था कि मैं ये जो GoPro का जो इशू है ये बताऊं आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर भी किसी लोगों के साथ अगर हो रहा है ये प्रॉब्लम तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहा है GoPro के साथ तो ज़रूर बताना। और आज का वीडियो बस यही तक था, बस इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
तुम रह सके ऐसी जी।